नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। एक ऐसे कलयुग की पत्नी, ये रहना तो प्रेमी के साथ जाती है लेकिन खर्चा पति का करवाना है। यही नहीं, महिला थाने में जाकर बोली कि मुझे पति के नहीं बल्कि प्रेमी के साथ रहना है, लेकिन मेरा और मेरे प्रेमी का खर्चा मेरा पति उठाए। सही बात है, पति को ऐसी महिला के साथ शादी करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। रविवार को परिवार परामर्श केंद्र में महिला की बात सुनकर लोग हैरान हुए। महिला ने काउंसलर के सामने शर्त रखी, कहा कि पति मेरा और बच्चों का सारा खर्च दे लेकिन मैं प्रेमी के साथ ही रहूंगी। प्रेमी से उसका दिल लग गया है। पति ने कहा कि जब तक पत्नी साथ नहीं रहती वह खर्चा नहीं दे सकता। काउंसलर डॉक्टर अमित ने बताया कि दोनों की शादी के 10 साल हो चुके हैं। महिला हाथरस की है और लड़का आगरा का। दो लड़कियां हैं। पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है और पत्नी को समय नहीं दे पाता था। पत्नी का कहना है कि इसीलिए उसने अकेलेपन को दूर करने के लिए प्रेमी बना लिया है। कहा कि अब वह अपने प्रेमी के साथ दोनों लड़कियां लेकर रह भी रही है। बच्चे उसके पति के हैं तो खर्च भी वही दे। प्रेमी पहले से शादीशुदा है और उसको भी अपनी पत्नी बच्चों का खर्च उठाना है, उस पर पहले से ही जिम्मेदारी है। काउंसलर ने कोई समझौता न होने पर दोनों को अगली तारीख दे दी है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।